हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाए। दोस्तों, इजिप्शियन आर्ट के ऊपर मैं एक वीडियो पहले डाल चुकी थी जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी, पिरामिड एंड स्फिंक्स, गीजे, नेफर्टिटी, ये सब। आज मैं दूसरी वीडियो डाली हूँ जिसमें मैं स्कल्पचर को लेके बात करूँगी। देखिए, इजिप्शियन स्कल्पचर ये मैं पहले वीडियो में बात कर चुकी हूँ, बट एक बार हम इसे रिवाइज कर लेंगे। रेनोफोयर जो कि कैरो म्यूजियम में है, फिफ्थ डायनेस्टी का है और यह लाइम स्टोन में पेंटेड है। ये रेनोफोयर जो स्कल्पचर है कैरो म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है, मतलब संरक्षित है, और ये जो है फिफ्थ डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। डेटेड है 2565-2420 BC। दूसरा है सीटेड स्टैचू ऑफ राहोटेप नोफ्रे, कैरो म्यूजियम में है। और ये ब्रॉड कॉलर नेकलेक है, मतलब कि जिनका जो नेकलेक है वो ब्रॉड कॉलर है। अभी इमेज जब आएगा तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट लिनन गारमेंट पहने हुए हैं और यूजुअल विग, विग मतलब हेयर, उसका यूज किया गया है। आईज आर रॉक क्रिस्टल, समझ रहे हैं ना, आँख जो है पत्थर के क्रिस्टल की तरह है। द कम्प्लेक्शन ऑफ राहोतेप इज ए डार्क रेडिश कलर एंड दैट ऑफ नोफ्रे इज येलोइस। राहोतेप के जो कम्प्लेक्शन है वो रेडिश डार्क कलर है और नोफ्रेट के जो हैं वो येल्लोइस कलर हैं। नोफ्रेट वाइफ ऑफ राहोतेप, आप लोग देख रहे होंगे, नोफ्रेट जो है वाइफ थी राहोतेप की। इजिप्शियन लेडीज लिव्ड इन ए मोर सिक्लूडेड इंडोर लाइफ देन मैन हुज स्किन वाज दी टैंड बाय बर्निंग सन। आप लोग समझ ही रहे हैं कि इजिप्शियन लेडीज जो थी वो घर में ही रहा करती थी, ना कि बाहर में। बाहर का काम कम किया करती थी, मैन लोग बाहर के काम ज़्यादा करते थे। देखिए इमेज, राहोतेप लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में नोफ्रेट है। ये जो है म्यूजियम कैरो में संरक्षित है। आगे देख लीजिए, सिक एल बेलेट, ये भी स्कल्पचर है जो कि कैरो म्यूजियम में है। ये मेड ऑफ वुड एंड क्लोथ है। ये स्कल्पचर जो है वुड से बनाया गया है और इसमें जो क्लोथ के टेक्सचर को दिया गया है। रिप्रेजेंट से राउंड फेस्ड, ये जो अभी आप इमेज देखेंगे वो देख लीजिएगा, उसका जो फेस है वो राउंड है, रेदर फैट, ठीक है, फैट होने की जगह राउंड फेस्ड है। सेल्फ सेटिस्फाइड मैन, सेल्फ सेटिस्फाइड मैन है परहैप्स एन ओवरसीयर। द सीटेड स्क्राइब लुब्र म्यूजियम पेरिस, सीटेड स्क्राइब जो है लुब्र म्यूजियम पेरिस में संरक्षित है। ये लाइम स्टोन में पेंटेड है। आईज ऑफ इनलेड रॉक क्रिस्टल, इनके आँख भी जो है क्रिस्टल की तरह है। ये देख लीजिए, सील रेल्ड बल्क म्यूजियम कैरो, देख रहे हैं फेस जो है राउंड है रेदर देन फैट। ये है सीटेड स्क्राइब स्कल्पचर जो कि लुब्र म्यूजियम पेरिस में संरक्षित है। आई देख सकते हैं, क्रिस्टल आईज है। नेक्स्ट है आपका, कुछ हम बात कर रहे हैं रिलीफ कार्विंग ऑफ द वॉल, ठीक है, मिस्टीरियस रिलीफ कार्विंग ऑफ द वॉल जो कि इजिप्शियन में हुआ था। रिलीफ कार्विंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द मोर्टरी चैपल्स रिवील द एवरीडे लाइफ ऑफ द इजिप्शियंस। द सीन रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, जो सीन रिप्रेजेंट होते थे वॉल पे वो ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता था उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ग्रेन मतलब चना, घास, ये सब जिसको बोलते हैं अनाज। द रेजिंग ऑफ कैटल, द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी एंड पॉटरी, हंटिंग सीन इन दी डिजर्ट और पेपीरस स्वाम्स, मतलब जो भी सीन उसमें रिप्रेजेंट किए गए थे, दर्शाए गए थे, वो तो पहली बात अनाज के थे। रेजिंग ऑफ कैटल मतलब मवेशियों का, द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाते हुए, एंड पॉटरी और हंटिंग सीन का यूज किया गया था। दीज सीन्स आर अरेंज इन हॉरिजोंटल बैंड्स, मतलब जो भी सीन थे उसे हॉरिजेंटली अरेंज किया गया था। सीन क्या क्या थे, अनाज से रिलेटेड थे, मवेशी से रिलेटेड थे, ज्वेलरी बनाते हुए थे और पॉटरी थे, साथ ही साथ हंटिंग सीन मतलब शिकार करते हुए डिजर्ट में, डिजर्ट मतलब मरुस्थल में, ठीक है, उसे
मरुस्थल में शिकार करते हुए दिखाया गया है। प्रोफेशन ऑफ ऑफरिंग्स बियरर्स एंड बैंकेट्स, प्रोसेशन ऑफ ऑफरिंग बियरर्स, ठीक है, भालू के जो जाते हुए जूलियस को दिखाया गया है। द सीन आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल बैंड, सीन को हॉरिजॉन्टल वे में दर्शाया गया था। द फिगर्स वर कार्व्ड इन फ्लैट इन वेरी लो रिलीफ ऑन विच पेंट वाज अप्लाइड, फिगर जो है कार्व थे, फ्लैट थे और लो रिलीफ, लो रिलीफ मतलब 2D बोल सकते हैं, ठीक है, 2D, ऑन विच पेंट वाज अप्लाइड, 2D थे जिसमें कि पेंट को अप्लाई किया गया था। लो रिलीफ आप लोग को समझ में आता ही होगा, अगर स्कल्पचर के स्टूडेंट है तो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी लो रिलीफ हाई रिलीफ के ऊपर। दूसरा है आप लोग का पैनल ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पे झप गया है, हम लोग उसे इमेज का नाम उसमें देख लेंगे, इमेज में देख लेंगे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। फाउंड इन मस्तवा एट सकारा एंड इज नाउ इन दी कैरो म्यूजियम, ये जो काम दिख रहा है आप लोग का, क्या नाम है पता नहीं, पैनल ऑफ समथिंग है हीजेल, वो जो है मस्तवा में पाया गया था और अभी जो है कैरो म्यूजियम में है। वुडेन पेंटेड रिलीफ, वुडेन पेंटेड रिलीफ, ठीक है। आगे है दूसरा मेमनोन स्टैचू एट लक्सर, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, देखिए तो पैनल ऑफ हिसाइल करेंगे, कैरो म्यूजियम ऊपर वाले पेंटिंग का नाम आप दूसरा इमेज आप लोग देख लिए होंगे, देखिए नाम मेंशन था। फिर दूसरा था मेमनोन स्टैचू एट लक्सर, इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नेफरतीति, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बर्लिन म्यूजियम में है, इसे तो अच्छे से आप याद कर लीजिए। द स्कल्पचर हेड ऑफ हिज वाइफ नेफरतीति, ठीक है, नेफरतीति जो है उनकी वाइफ का स्कल्पचर था, ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन बर्लिन, बर्लिन म्यूजियम में प्रिजर्व्ड, देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन गुजरती है ना उसकी आवाज़ आ गई, सॉरी। देखिए इमेज दे दिए हैं बर्लिन म्यूजियम का, आउटस्टैंडिंग फॉर इट्स ब्यूटी एंड एक्सट्रीम डेलिकेसी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग फॉर इट्स ब्यूटी एंड एक्सट्रीम डेलिकेसी, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसकी ब्यूटी जो है बहुत ही अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग थी और इसमें डेलिकेसी था, मतलब नरम चीज़ें थे। द फिगर कन्वेंशियल हेडड्रेस ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जो फिगर थे और जो हेडड्रेस बनाया गया था वो कन्वेंशनल थे और उनका फॉर्म कैसा था, ज्योमेट्रिकल था। रिच नेकलेक ऑल्सो इन ए ज्योमेट्रिकल पैटर्न, रिच नेकलेक पहनाया गया था जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न में था। हारमोनाइजेस विद दी हेड गियर, ठीक है, मतलब उनके जो हेड थे उसे कैसे सजाया गया था, हेड गियर के साथ सजाया गया था, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से कितना निकला हुआ है, हारमोनाइजेस विद हेड गियर। मेन है कि आप लोग ये याद कीजिए, कर लीजिए कि नेफरतीति जो है बर्लिन म्यूजियम में था, ये याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन की डिटेल्स। इमेज देख लीजिए, हेड गियर देख लीजिए, इनके नेकलेस देख लीजिए, नेकलेस भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म का है, कितनी डेलिकेसी ब्यूटी है इस लेडी में, एक्सट्रीम डेलिकेसी है ना। ये लास्ट था सन रिलीफ्स टेम्पल इदफू, एकदम भी इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं ऐड नहीं की, फिर भी इमेज दिखा दे कि बाय चांस पूछ दे तो एक ग्लिम्स याद रहे आप लोग को, संक रिलीफ्स टेम्पल इदफू। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गो थ्रू फाइन आर्ट को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कोई क्वेरीज हो तो, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाए, घंटी को दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, सी यू सून।